सर, क्या हथियारों की आपूर्ति हेतु भारत अब भी अन्य देशों पर आश्रित है या आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर भी नजर आ रहा है? प्रिया जी, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब देना चाहूंगा ये शुरू करके कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार सत्ता में 2014 में जी, उन्होंने भारत को एक सपना दिया मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर का जी। उस वक्त जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए तो हमारी जो डिफेंस आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग थी वो बहुत छोटे लेवल पे थी और हमारी जो आर्म्स एक्सपोर्ट थी वो महज 1,000 करोड़ रुपए की थी। 8 साल में हमारे जो डिफेंस आर्म्स की एक्सपोर्ट है वो 11,000 करोड़ पहुंच चुकी है और हम 70 देशों को हथियार एक्सपोर्ट करते हैं और 2024-25 तक हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट होगी वो 35,000 करोड़ पहुंच जाएगी। आप देख सकते हैं इन आंकड़ों से कि भारत आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में आस्ता आस्ता आत्मनिर्भर हो रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब भारत को, भारत की हर डिफेंस रिक्वायरमेंट भारत के अंदर ही बनेगी। ये जो सपना मोदी जी ने भारत को दिया वो सक्षम हो रहा है और हमें गर्व और फक्र होता है कि जब हम बच्चे थे तो हम सोचते थे हमारा देश भी एक शक्तिशाली देश हो और आज जब हम देखते हैं हमारा देश वाकई शक्तिशाली बन चुका है तो हमें बड़ा गर्व, बड़ा फक्र महसूस होता है। बेशक दुनिया ने ऑफिशियली भारत को सुपर पावर का दर्जा नहीं दिया है लेकिन भारत किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा। इस साल मार्च अप्रैल में जब रूस यूक्रेन जंग फुल उस पे चल रही थी फोर्स पे, इन 2 महीने में हर बड़े देश के नेता भारत आए जो कि दूसरे किसी विश्व के देश में नहीं गए, तो यह दिखाता है कि भारत आज एक सुपर पावर बन के उभर चुका है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि भारत को पाकिस्तान और चीन को लेकर किस तरह रणनीतिक बदलाव लाना जरूरी है? प्रिया जी, भारत उस लोकेशन में स्थित है जहां पे हमारे जो दो नेबर हैं चीन जी और पाकिस्तान, वो हमेशा भारत में प्रॉब्लम क्रिएट करते आए हैं, हमारी उनके साथ कई बार जंग भी हो चुकी है। भारत के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट लेसन है कि हम अपनी सेना की शक्ति को ना कम कर सकते हैं ना कमजोर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है हमें अपने राष्ट्र हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे अव्वल दर्जे पे रखना चाहिए जो कि हमारी जो सरकार है वो कर रही है। जो हमने देखा कि हमारी सरकार इस पूरे रशिया यूक्रेन युद्ध में ना अमेरिका के ना रूस के किसी दबाव में नहीं आई, जो कदम लिए चाहे रूसी तेल खरीदना चाहे कोई इम्पोर्ट कराना, हमारे सरकार ने वही किया जो भारत के राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट सबक है कि हम अपने सैनिक शक्ति को ना कम करना चाहिए ना उसको कमजोर करना चाहिए, उसको और ताकतवर करना चाहिए क्योंकि हमारे साथ जो दो नेबर हैं उनके हमारे साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो हमारे पे जंग कर चुके हैं, हम पे उन पे कोई भरोसा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जितना हम आत्मनिर्भर होंगे उतना हम विश्व के बाकी देशों पे कम डिपेंडेंट होंगे। जैसे मैंने आपको हथियार का एग्जांपल दिया, 8 साल के अंदर हम कहां पहुंच चुके हैं और ऐसे ही अगर हम गति से चलते रहे चाहे हथियार मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हो चाहे किसी भी दूसरे फील्ड में हो, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत को किसी दूसरे विश्व के ऊपर किसी चीज के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा और हम पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर रहेंगे। और ये आत्मनिर्भर ही किसी देश को एक सक्षम पावर बनाता है। मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको प्रिया जी, इस विश्व में एक देश को सक्षम होने के लिए या सुपर पावर होने के लिए 3 अहम चीजें चाहिए होती हैं, आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति और परमाणु शक्ति। आज भारत के पास तीनों हैं और जैसे जैसे ये आत्मनिर्भर का ये जो कंसेप्ट और अच्छा होता जा रहा है, हम अपनी चीजें खुद बना रहे हैं, हम आर्थिक महाशक्ति भी बन जाएंगे, वो भी दिन ज्यादा दूर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। फिर से मुलाकात होगी आपकी न्यूज रूम पोस्ट के साथ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।